इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। खुई ये डूब के मरना ही तो मर जाए थे। मिठास रह गई है की तसीर रह गई है रिश्तियां दी। ओदो रिश्ते चाचे ताए मामे बड़ा शौक हुंदा सी को मेहमान घर दे विच आ जांदा सी ते लोगां नूं चाह चढ़ जांदा सी, खुशी चढ़ जांदी सी कि साडे घर रब दी रहमत आई है। ते अजकल मेहमान आवे जिवें कि असीं आए हां ते तुसीं मूंह परां नूं कर लिया सी, असीं ते आप तुहानूं आवाज़ मारी है। नहीं मैं मूंह धोण डिया हां। गल पता की आ, उदों परौणे आउंदे सी ना ते परौणा इक फरिश्ता हुंदा रिज़क हुंदा इक, जदों किसी के घर आउंदा ना रिज़क लै के आउंदा वे, ए कैसी गल है फरिश्ता हुंदा। तो हुण ते कोई परौणा आवे ना तो ए कित्थों आ गया जी, इहनूं मैं कहा भी कल ना आवीं वी। हुण वह दौर चल गया, मुनाफकत वध गई, गीबत वध गई, चुगलीखोरी वध गई भी आई समय। हुण ये चीज़ां मेन आ रही ने, जिहड़ियां चीज़ां पिछे सी हुण अगे आ रही ने। लिबास है पहले धोती कुर्ता पाउंदे हन लोग, हुण जी पेंटां चल पईआं है जी, बूट चल पे भी है जी। हुण बूट जिहड़ा पढ़िया भी नहीं गा वह भी पेंट शर्ट पाउण डिया है जी। लिबास वो तो धोती कुर्ते होंगे भी चलो भी धोती जी बड़ा काम दें। तुम भी तो पेंट शर्ट पाई सी जो तुम्हें कुत्ता पिया सी? मैं पाई तो है ना, मैंने पछाने नहीं कभी। नहीं तुम्हें अज की सूझी, अज तुम पेंट शर्ट पा के आ गए तुम घर इंटर होए तो तुम्हू? मैं आया हाँ कचहरी आई गया हाँ, मुकदमा ही साडा है तो मैं हाँ अच्छ पेंट कोट पा के जाना। मैं चल वकील को मिलना ही, वकील कहना ही पेंट कोट पा के आवी जो आए मेरे को आई समझ। मैं घर वड़िया तो मैं कुत्ते का पुत मैनू पै गया हाल के इन्ना मैं प्यार करना हूँ हाँ। रोटी टुकर मैं कह क्योंकि मुंडिया कह क्योंकि तो उन्होंने पाना हूँ आ डेरे तो हाँ उत्थे तो कि उन्हें पहचाने नहीं तो पछाने नहीं उन्हें कहा पता नहीं कौन आ गया वा उन्होंने तो मैंने फड़ लिया वे अल्लाह का शुक्र मैंने मुंडे ने पिछले पाले तो मैं डिग पाया ही। तो तारफ करवाया उन्होंने? तारफ करवाया उन्होंने, मैं मैं चौरी चिट्टा हाँ फिर कोई ढिला पिया है नहीं तो मैंने लै गया है वे वो आंदा मैं तेरे अर्गे कुत्ते कई वेखे ने भी आड़ी गल है भी। अच्छा तो मुकदमा किस चीज़ का सी? तुहाडे कोल ते शै ही कोई नहीं हैगी, तुहानू ते घर को सालन नहीं दिंदा। सारा साडी दरिया च जमीन निकली है विचकारों करके। अच्छा जिथे आ बी एबरी नहर नहीं गई उहदे विचों करके साडी जमीन निकली है ते पता नहीं लगन डिया भी हड़ आया ते साडी जमीन उत्तों रुड़ गई आ थल्लों किसे होर दी निकल आई है। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਹਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਦੋ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੋਂ ਰੁੜ ਗਈ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤਣ ਗਿਆ ਹਾਲੀ ਚੱਲ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਦੁਆਨੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। अच्छा तो केस का की बनया तुहाडे आया कोई अपना तुहाडे हक च केस होया कि नहीं? नहीं वकील ने कह दिता है कि जज तो कहता तेरे नामे कर देनी है घबरा ना तू है दो तीन तरीक होर भुगत गई ना तो मेरे नामे लग जानी है जे ना लगी तो कुत्ता तो मेरे ना है ही है ना। अच्छा चौरी साहब कोई अपना वाकया दसो कुछ मशहूर वाकया कोई तुहाडा कोई वाकया कट्टा सुनाउणा यार। अज सवेरे मैं कितें आ पेंट ते आ कोट पा बैठा आ मंजूर साडा भरा ही लगता तो वो मैं मेरे मगर लग गई। अच्छा मैं दे अगे अगे हाँ तो मझ मेरे पिछे पिछे आ मैं अगे अगे मझ पिछे पिछे रौला बन गया पिंड लाला लाला तो बू बू हो गई चौरी चिट्टा अगे अगे तो मैं पिछे पिछे उधरों मैं भी मंजूर दी है मैं डिग पिया है मैं हाँ मैनू टुट टुट मारूगी मैनू उन्हें चटना शुरू कर दिता। वह क्यों? वह खरे वा मुंडा कुआंचा सी। अच्छा कोई लड़ाई शड़ाई कोई हो तो तुसी कोई अपना कभी कोई फैसला भी किया या बस? हाँ अख्तर की दुकान नहीं गई इतने मैं सवेरे खलोता तो दो थत्थे लड़ पे आपस। अच्छा एक थत्था ना अख्तर को बैठा गया मुंडा तो उन्होंने जाए कह दिया यार सिगरट दे और गोभी वह जहा ही कभी वह कहता आ काम कर जा गया अपना आपस कि दोवें लड़ पे है वह कहता तेरी उदो को गाल नहीं निकली वो भी कहता तेरी उदो को निकली मैं सुलह कराती एक तत्ते ने गाल कर दी वो कहता भाज सुलह भी गई तत्ता आ भी गाला कटी जान डिया वो मैं क्या तेरी सुलह भी इतना भी गाला कटी जान डिया कहता भाज गाल से मदल ही कटी निकली होने।
साडा प्रोग्राम तुहाडे नाल असीं कीता, बड़ा सानू मज़ा आया, बड़ा अच्छा लग्या सानू। तुसीं पुराना कल्चर दस्या पंजाबी, ते कोई साडे प्रोग्राम दे विच जिहड़ी नवीं जनरेशन है, साडे जिहड़े नवें बच्चे ने जिन्हां नूं के पुरानियां चीज़ां दा नहीं पता कि पुराने वक्त दे विच खूह चलदे सन और वाही बीजी लोग करदे सन। अजे भी किसान वाही बीजी ना करे तो शहर दे विच खाण पीण दा जिहड़ा उह बिल्कुल इंतजाम नहीं हो सकता। तो पुराने जमाने दीयां चीज़ां तुसीं डिस्कस कीतियां ने, वो साडी नवीं जनरेशन नूं बिल्कुल नहीं पता। तो साडी नवीं जनरेशन नूं, नवें बच्चियां नूं तुसीं की पैगाम देना चाहोगे? मैं इहो पैगाम देना चाहवांगा, नवीं जिहड़े लोग आ रहे नवीं, अल्लाह इहनां नूं जिंदगी तंदुरुस्ती देवे, साडियां दुआवां वी इहनां दे नाल कि समझ सोच के, यानी कि इस गल जो कोई गल होवे ना उस गल का पा करना कि कीड़ी गल कह रहा है। गल का वजन हुंदा, गल का फर्क हुंदा, कल्चर का होर फर्क है, एक उर्दू स्पीक होर फर्क हुंदा है। मैं नवयां नूं इहो कहांगा कि अच्छी तलीम हासिल करो, यानी कि जे इस गल दा ए साडा पाकिस्तान जिहड़ा अल्लाह इहनूं जिंदगी तंदुरुस्ती देवे भी ये बड़ा अच्छा कल्चर है, यानी कि साडे तो इंडिया भी जैलस है। क्यों जैलस है? क्योंकि साडे को बहुत फन है, समझो मेरे। वो कहिंदा नहीं, हुक्का पींदा लंबरदार बह के थेड़ी दे विचकार ते आए गल्लां दे फनकार, ओ आए गल्लां दे फनकार, आए तेली ते कमियार मारन कंधा नाल खंगार, वारी ला के आखण वारी ला के आखण बाहू के दा शान नाले गुण तमाकू पाण। हां ये गल आ चौरी साहब, आ हुक्का तुसीं पी रहे हो ते मैनूं जरा कड़ी पी लैण दे, तेरी मेहरबानी है। नहीं नहीं तुसीं पियो, लेकिन दसो कि इहदा की तुहानूं फायदा हुंदा है और इहदा की जायका हैगा हुक्के दा? मैं ते अगे घुट लाया ते मैनूं बड़ी खांसी आई है। मैनूं इहदे नाल खांसी आउंदी है, जिहड़ा हुंदा ना सिरकट, उह साडे कोल नहीं पीते जांदे। हुक्का असीं इस करके पीने कि जिहड़ा ना लकमान भीम कीम ने कढ़िया, समझा मेरी गल नूं, इहदे नाल मेदा जिहड़ा ना ठीक हो जांदा। सिरकट जिहड़ी हुंदी है कि नहीं, वह गले से जम जाती जा के फिफड़िया से। तो तुहाडा मेदा क्यों नहीं ठीक होया? तुहाडा मेदा ठीक हुंदा ते तुहाडा थोड़ा जिहा कलर वाइट हो जाना, ही तुसीं होर ब्लैक हो रहे हो। मैनूं ब्लैक ही तो मेरी खूबसूरती आ चौरी, तैन दस्या ना जिधरों दी लंघदा कि नहीं लंघ ही जाता, समझा। ये हुक्के दे बड़े फायदे ने, ये सिगरट का उन्ना फायदा नहीं जिन्ना हुक्के का फायदा। अच्छा मंजी भी तुसीं है वान दी मंजी है लकड़ दी, रंग बिरंगे आ कलर किते ने पावे, बड़ी सोहनी वैसे लग रही है। सरगोधों मंगाइया, सरगोधों आस्था दसो चौरी नूं रंगीन मंजी रंगीन सराणा, ये शौक है चौरी का। ये चौरी नूं रंग बड़े पसंद ने, क्योंकि मेरा अपना रंग जिहड़ा अद्धी रात वरगा ना, इस करके, समझा मेरी गल कि नहीं। नहीं तो तुसीं इस रंगीन मंजियां ते बैठे घरदियां नूं बुरे नहीं लगते कभी? उन्हां नूं लगदा, तैनूं तो नहीं लगता? नहीं साडे ते तुसीं मोसन हो, चौरी हो साडे। मैं वैसे एक जर्नली गल पुछी तुहाडे कोल, जर्नली गल कहदी आ वी मंजियां ते बहण वाले चौरी, तैनूं पता फिर है गल करन वाली कि नहीं? पहलां जमीन भांडे वाले जी होए भी आ रंगीन मंजियां रंगीन सराणे, ये चौधरी दी फितरत आ, समझिया मेरी गल नूं। होर घर मैनूं कुछ देण ना देण, ना रोटी देण ना पानी देण, मंजी मैनूं दे देण वी इत्थे बहणा ही। अच्छा चौरी साहब, इस टाइम तुहाडे कोल की चीज़ मौजूद है? तुहाडा घर थोड़ा जिहा सानू विजिट करवाओ अपने घर का, और तुहाडे कोल है जिहड़ा कच्चा घर जिथे रह रहे हो, ठीक है, थोड़ा जिहा सानू विजिट करवाओ। चौरी चिट्टे का कोई नाम एवं नहीं बनया, मैं तैनूं दस छड़ा, समझिया मेरी गल नूं। आ बड़े बड़े पिंड जिहड़े ने मेरे को भरिया करवाउंदे ने, आण के पंचायत बउंदे आ, आण के मेरी सुणदे आ। तूं कदी वेख्या कोई चौरी को आंडा देंदा? नहीं। मैं देना लियाओ दियो, रौला कहदा यार एडा यार लफड़। चौरी साहब तुसी तो सची मुची आंडा देता है, मैं देंदा को बंदा अजकल के दौर आंडा नहीं है, ये चौरी चिट्टा ही दे सकता है, फाड़ उन्हें तल के खा ली दे दे। फड़ो चौरी साहब, पता नहीं की मैनू ना फड़ा, मेरे को बच्चा निकलाना, मैं दस छड़ा, मैं समझा मेरी गल नू। नहीं आंडा चिट्टा क्यों है? मसाले तो फिर काला होना चाहिए ना। ਸੰਘਾੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੱਟਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਂਡਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਮੰਗ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ, ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਣਕ ਜਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਫੜ ਕੇ, ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਣਕ ਟੁੱਕੀ ਗਈ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾਇਆ, ਸਮਝਿਆ। ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਟੁੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਡੁੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦੇਣਾ ਸੁੱਕੇ ਟੁੱਕਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੋਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਛੱਜਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਕਰ ਟੱਕਰ ਪਾਈ ਦੇਣੇ ਸੁੱਕੇ, ਨਾਲ ਵੜੇਵੇਂ ਕੋ ਪਾ ਦੇਈ ਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੂੰ
नहीं नहीं तुसी सुनिया अखबारां दी रद्दी सुके टुकर छान बूरा अड्डी वालियां जुत्तियां ऐ तुसी ले लैंदे हो तुसी वो तो साढ़े बूहे अगों दी लंघदा हवेली दे अगों दी लंघदा मुंडा ते सारा काम करदा प्यालियां वेचदा वो लैंदा सुके टुकर लिया के सानू यानी कि तुसी तुहाडे बारे जिहड़ी अफवाह है वो गलत हैगी अहीं उहदे कोल नहीं लैंदे अहीं तेरे को लै लिया करांगे रौला कहदा यार एडा यार तुसी सुनिया ज़कात फतराना भी तुहानू लग जांदा किनू मैनू सिरियां भी लग जांदियां सदके दियां वह भी लग जांदियां हाँ मैं इतने पिंड च ऐलान किया किसी ने पुराना सूट सदके की सीरी मैंने देनी है यानी कि चौरी साहब का इन्ना पिंड दे विच टैका है मैं नाजम भी हाँ ना हर काम मैं करना पैंदा है आ गटर कड़े ने परसों मैं सारे ही अपने हाथों के नाल नहीं वह बंदा तुहानू कोई कढ़दा नहीं मूँह नहीं हिलाउंदा भी मैं वेच वड़ के मैं गटर निकलता क्यों नहीं करोता ही चौरी जा के डके ने मैं पता नहीं किधर गया अच्छा इतने कोई हो जाता कोई झगड़ा हो जाए तो किसी का कोई वल वुल भी कट देंगे कोई झगड़े का कोई वाल वुल तो नहीं कटी दा गटर गुटर कट लीते हैं इनकिया दसा अच्छा चौरी साहब तुम सू विजिट करवाओ अपने जे थोड़े को अपनी हवेली का अपने कच्चे घर का लैना की है मेरे को नहीं असी लैना देना कुछ नहीं बस वेखना थोड़ा घर वेखना जिते तुम रह रहे हो एडा खूबसूरत बंदा हो तो वह वेखना चाहिए कि कितने रह रहे सूरती की कि गल कर रहा कल मैं गया मुकाबला हसन च वो कितने गए वो पता नहीं ढे चले गए ही सारे नामा तो होया मैनू गोली का डर होया उन्हें गोली मारी अगर गोली शर्मिंदा हो कह लगी मैं चौरी जी नहीं बचना होर कि मार लो चौरी की अपनी टेंशन होगी भी अच्छा हम सू अपना घर विखाओ सू विजिट करवाओ थोड़े को मौजूद है अपनी हवेली पहले तो तुम सू अपना घर विखाओ ना सू वेख अपने हथा छत्या आ वेख आ शतीरी गाडर पाया है शतीरी टुट गई ही माड़ी हैगी आ मैं नाल गाडर पाया ए सारे इतने तेन गर्मी नहीं लगनी ये ठंडा कमरा ठंडा ये एसी फुल एसी आ समझा मेरी गल होर की वेखना ही होर सानू अपनी हवेली वहाओ कोई की रखे आ वेख बूआ सारा टुटा ही है लकड़ का दरवाजा भी पुराना ही है पुराने प्लास्टिक का नहीं यार लकड़ का ये बनाया ही साई से आहो आवे हाँ इधर तेन हाइए अही खाने देसी कणक ये पिंडा दिया तेरे नाल उची कणक होंगी इतने तो महसूस तो नहीं हो रहा देसी शहरी आटा जड़ा कि नहीं वह नहीं आ रबड़ का आटा जड़ा वह नहीं सानू अह मैं चौरी चिट्टे ने अपने घर चक्की लवाई आ अपनी चक्की का पी के आटा तो फिर खाने असी समझा मेरी गल अही एवें कि एवं बंदे नहीं आवे जे को बहरों भी किसी ने प्योना हो तोड़े पे आ सारा कुछ ही आओ मशीन लगी आवे ताज़ा आटा ताज़ी मशीन आ ताज़ा झोने पीण वाली आ जी है आवेख तंदूर साडा इतने साड़िया बीबिया बालन शालन पा के ना तो रोटियां लादियाँ तंदूर दियाँ रोटियां सोहनिया समझा मेरी गल तो असी खाने अपनी चक्की का आटा तो अपन रोटियां हथी पका के आने की वेखना ही अपने हवेली वहाओ सू तुम हवेली वहा दें हवेली को साड़ी चोरी दी है साड़ी अपनी है आ वेख ना तेन मैं दसा आ जमीन वेना पिया साड़ी हाँ जी आ जमीन सारी अपनी है और खोती जे तो पट्ठे ढोई देने अभी थोड़ी यो खोती सूई जी ने तेरी बोली प्योनी ही तेन समझिया चौरी साहब गंदिया गल्ला ना करो ये बस खोती थोड़ी प्रॉपर्टी है और भी सू कुछ चीज़ा वहाओ आ सारी अपनी जू आ घबराने वाली गल को नहीं गई है अद्धी किसी वेच दी हाँ वेची क्यों कुछ तुम तो चोरी बंदे हो तुम्हें कहदी जरूरत पै गई प्यो मर गया ही नहर च डुब के इस करके वेचनी पई अच्छा है अपनिया मही ने अच्छा हवेली अंदर
ਹੈ ਆ ਨਵਾਉਣ ਡਿਆ ਇਹ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਪਰਸੋਂ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਛੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਪਲੇ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਵਾਲ ਵਿਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਲਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਝਾਂ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਗਿਜੀਆਂ ਨੇ ਗਿਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੌਰੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਚੌਰੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਆ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਟੂਲ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦਰਾਜ ਨੂੰ ਟੂਲ ਹੀ ਵਾਵਾਂ ਆਹ ਪਨੀਰੀ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਹ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਆ ਇਹ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਹ ਕੱਦੂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਝੋਨਾ ਲਾਈਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਹੈਂ ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਟੂਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਆਹ ਤੂੜੀ ਲਿੰਪੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਆ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਕਿਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਦੀ ਆ ਹੈਂ ਆ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਹ ਖੂਹ ਹੀ ਜੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ 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 ਆਹ ਟੂਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਟੂਲ ਹੀ ਆਵੇ ਕਿੱਡਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਆ ਵੇਖ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਨਾ ਮਾਰੋ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਸਿਆਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਹ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਹ ਤੂੜੀ ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਵਰ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੌਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਤੂੜੀ ਆਏ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਾੜਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਹ ਗਾਈਂ ਬੱਧੀਆਂ ਉੱਧਰ ਮੱਝੀਆਂ ਆਹ ਗਾਈਂ ਆ ਆਹ ਗਾਵਾਂ ਆਹ ਵੇਖ ਨਾ ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਦਾ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਖੇਤ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਗਿਜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਆਪਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀ ਆ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੱਧੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਲਿਆਈਦੇ ਨੇ ਆ ਵੇਖ ਆ ਸਾਜ ਪਾ ਲਈਦਾ ਕਿਤੇ ਖੋਤੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਆਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰ ਇੱਧਰ ਕੈਮਰਾ ਮੁੜਿਆ ਹੋਏ ਆਵੇ ਆਹ ਰੇੜੀ ਪੁੱਠੀ ਪਈ ਆ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਮਾਲ ਲੱਦਿਆ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਫਤਿਹ ਰਿਆਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਟੀਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਟੀਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਛੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਨ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਊਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਟੀ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਰੰਗ ਭਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੈਸਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਦੇਖਾ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਰੰਗ ਆਪਕੇ ਸੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਹਮਨੇ ਆਪਕੋ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ੋ ਕਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ੇ ਦਿਖਾਈ ਔਰ ਕੁਛ ਮੁਨਫਰਿਦ ਬਾਤੇ ਕੀ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਉਮੀਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਯੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਔਰ ਹਮੇਂ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਹਮੇਂ ਬਤਾਏ ਕਮੈਂਟਸ ਬੋਕਸ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਂ ਬਤਾਏ ਕਿ ਆਪਕੋ ਯੇ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਸਾ ਲਗਾ ਔਰ ਯੇ ਵੀ ਬਤਾਏ ਕਿ ਆਪ ਕਿਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮ ਆਪਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁਲੀਏ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਟੀ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋ ਕੇ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਜੀਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਪਰ ਬਤਾਈਏਗਾ ਕਿ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਮੇਂ ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਹਮਾਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਤੋ ਫੌਰਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਜੀਏ ਸਾਥ ਹੀ ਬੈਲ ਆਇਕਨ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਹਮ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਇਸ ਚੈਨਲ ਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੇ ਹੈ ਵੋ ਆਪਕੋ ਵਕਤ ਪਰ ਮਿਲਤੀ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪ ਉਨਸੇ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਤੇ ਰਹੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਹਮੇਂ ਦੀਜੀਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।